नमस्कार दोस्तों, आपका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। देखिए, बारिश का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता। उमड़ते घुमड़ते बादल हों और आसपास ठंडी हवाएं चलती हों और बारिश की बूंदें यदि उस समय आ जाएं तो फिर क्या कहने। तो इस तरह के प्राकृतिक मनोरम दृश्यों का जब हमारी आंखों के सामने सामना होता है, यानी हमारी आंखें जब उसे निहारती हैं, तो एक असीम आनंद की हमको अनुभूति होती है। देखिए, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बारिश के पानी में आप यदि भींजते हैं तो किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। जी हाँ, फ़ायदे। आमतौर पर आपने सुना होगा कि बारिश के पानी में भीगने से नुकसान होता है, लेकिन साइंस ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बारिश के पानी में भीगने से फ़ायदा होता है। अब देखिए, मानसूनी बारिश में जो पानी गिरता है उसमें यदि आप भीगते हैं तो फ़ायदा होता है। अब सवाल ये उठता है कि मानसूनी बारिश कौन सी। तो देखिए, कहने का अर्थ ये है कि जब पहली बारिश हो, अर्थात इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हो, उस समय हमें उस पानी में या उस वर्षा के जल में नहाने से या भीगने से बचना चाहिए। होता क्या है कि वायुमंडल में जो प्रदूषण रहता है, शुरुआती दौर का जब पानी आता है तो उससे वो घुल मिल जाता है और इस तरह से वो हमारे त्वचा को, शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब मानसूनी बारिश होती है, अब मानसूनी बारिश का ये है, देखिए कि एक बहुत बड़े क्षेत्र को लीजिए और उसमें यदि 60% हिस्से पर पानी बरस रहा है तो उसे मानसूनी बारिश कहा जाएगा। तो कुल मिला के हम ये समझें कि बहुत बड़े स्तर पर, यानी 100-200 किलोमीटर आसपास पानी गिरता ही बनना हो या एक चक्र सा बना हो, मानसून का एक सिस्टम बना हो, तो उस समय आप यदि पानी में नहाते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। देखिए, फ़ायदे हम जल्दी से जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो चर्म रोग, यानी आपको यदि खुजली की शिकायत है, दाँत की शिकायत है और यदि आप उसमें नहा लेते हैं या उस पानी का उपयोग करते हैं तो आपको उससे फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा देखिए ये होता है कि बाल, जैसे किसी के बाल झड़ते हैं और कमज़ोर होते हैं, तो यदि बारिश के पानी में वो नहाता है उसमें भी फ़ायदा होता है। और अगला ये है कि जो चेहरे की रंगत है वो निखरती है। और अंत में ये आता है कि यदि आप बारिश के पानी में भींगते हैं, नहाते हैं, तो उससे जो घमोरिया और दाद और छोटे छोटे दाने टाइप के हो जाते हैं जो बाद में चुभते हैं, उनसे भी हमें निजात मिलती है, वो भी ठीक हो जाता है। किसी कारण से यदि आप ना नहा पाएँ बारिश के पानी में, तो उस पानी को इकट्ठा कीजिए और फिर उससे नहाइए। देखिए, बहुत ही आपको शानदार इसके अनुभव मिलेंगे। और एक अंत में चीज़ कहना चाहूँगा कि कान का दर्द, ऐसा कहते हैं कि बारिश के पानी में आप नहाते हैं या उसका उपयोग करते हैं, आनंद लेते हैं, बारिश में यदि आप भींगते हैं तो जो कान का दर्द है वो भी चला जाता है। तो ये कुछ टिप्स थे। बारिश का लुत्फ़ भी उठाइए। और देखिए, इस समय हम वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल घनघोर बादल हैं और बारिश की एक दो बूंदें पड़ भी रही है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था। उम्मीद कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।